हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए मेरा बन्नी की नाइट रूटीन है। सो अभी मैं इसे केज में खोली हूँ, तो केज से बाहर आया है और अभी भी इसका मूड है कि मैं केज में जाऊँ, पर मैं इसे बोली चलो अभी बाहर ही घूम लो, क्योंकि मैं थोड़े देर के लिए इसे केज में बोली थी आप सभी को ना कि मैं रखती हूँ जब मन होता है कि बन्नी मेरा सेफ नहीं है, तब मैं केज में रखती हूँ और फिर मैं इसे खोल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा बन्नी की नाइट रूटीन है और ये इसी तरह पूरे रात यहीं बेड के नीचे रहता है और यहाँ पे मैं खाना देती हूँ। सो यहाँ पे खाना खाता है और यहाँ पे पास की कटोरी में मैं पानी भी रखती हूँ, तो ये खाना खाता है, पानी पीता है और कुछ घास वगैरह भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो पूरे रात वो आता है, खाता है, पीता है, फिर बेड के नीचे सोता है, फिर वहीं पूरे रात अपना रूटीन फॉलो करता है इसी तरह से। और देखिए बन्नी अभी खा रहा है, क्योंकि हम लोग भी एक तरफ खाने के लिए बैठे हुए हैं तो वो कहाँ पीछे रहने वाला है। और देखिए अब खा पी के अब चला बेड के नीचे आराम फरमाने। तो चलिए इसका नाइट रूटीन तो मैं दिखा चुकी हूँ आप सभी को, और ये अब देखिए इसका मॉर्निंग रूटीन है। तो पूरे दिन का ये रूटीन है, पूरे दिन का तो नहीं फ्रेंड्स, पर कभी कभी इसका एक्टिविटी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन तो मुझे ये छुट्टी उतना नहीं मिल पाता है कि मैं इसके पीछे शूट करते रहूँ कि पूरे दिन ये क्या करता है क्या नहीं करता है। सो देखिए ये है दिन का रूटीन। सो बन्नी यहाँ पे सोफे पे घूमता है, थोड़ा घर में इधर उधर घूमता है और घास वगैरह भी खाता है, तो इसी तरह से। तो पूरे दिन पूरे घर में इधर से उधर वो इतना फुदकता है, क्या बताऊँ। अगर आप चाहो कि बन्नी के मैं पकड़ लूँ तो वो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि इतना तेज भागता है ये और उछल उछल के ऊपर नीचे चारों तरफ कूदते रहता है और प्यार भी इस तरह से करवाता है। देखिए यहाँ पे बैठ गया है कि मुझे कोई प्यार करे। सो इसी तरह से चिपकते रहता है, यानी चिपकू की तरह बैठ जाता है और प्यार करवाता भी है। तो देखिए इसी तरह से उछलता है, कूदता है, फुदकता है, तो इसका एक्टिविटी ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये घास खाने का मूड में नहीं है, लेकिन मैं इसे घास देना चाह रही हूँ और ये भागे जा रहा है। और इसी तरह वो पूरे दिन घूमता है, फिरता है और मैं इधर उधर जो मेन डोर होता है उसे लॉक कर देती हूँ, कहीं से कुछ बिल्ली और नेबला ना आ जाए इसके कारण, क्योंकि ये दोनों से डर बना रहता है। सेफ्टी के लिए मैं लॉक करके रखती हूँ, नहीं तो फिर मैं इसे केज में, जब मैं नहीं रहती हूँ तो केज में इसे डाल देती हूँ, और जब मैं यहाँ पे रहती हूँ तो इसे खोल के रखती हूँ। ऐसे फ़िलहाल ये खुला ही रहता है ज़्यादातर, सेफ्टी के पर्पज़ से मैं इसे केज में रखती हूँ। और देखिए ये ग्रीन वाले घास पसंद करते हैं, तो ये दुबी वाले घास बहुत ज़्यादा खाते हैं। बाज़ार से मूली के पत्ते लाती हूँ सब्ज़ी में, तो मूली का पत्ता भी बहुत खाता है और ये सेब भी बहुत अच्छे से खाते हैं, खीरे खाते हैं, और ये पालक के पत्ते, धनिया के पत्ते बहुत अच्छे से खाते हैं, और ये गोभी के पत्ते तो इसका फेवरेट है, बहुत ज़्यादा खाता है ये गोभी का पत्ते, बंदे का पत्ते, तो हर कुछ ऐसे खा लेता है फ्रेंड्स। पर सबसे मेरे समझ से सबसे ज़्यादा गोभी के पत्ते खाते हैं ये, और इसी तरह से जब मूड हुआ तो खाए, ना मूड हुआ तो नहीं खाएगा। अभी इसका मूड नहीं है, वो नहीं खाएगा अभी, तो मैं यहाँ पे इसे हटा देती हूँ। और ये क्या खाता है क्या नहीं खाता है, मेरा बन्नी कुछ अलग टाइप से है, सो इसको तो कुछ कहना ही नहीं है। बाकी बन्नी हर तरह के घास खा लेते हैं, पर ये हर तरह के घास नहीं खा पाता। और जो घास के बारे में मैं नहीं जानती हूँ वो मैं इसे देती भी नहीं,
क्योंकि मुझे लगता है कि बनी का खाने से इनका सेहत ना बिगड़ जाए। तो सबसे पहले मैं सर्च कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसे देती हूँ। तो अगले वीडियोज में और बताऊँगी फ्रेंड्स। बाय बाय।